इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के एक न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स और फोर्सेज विच इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इफेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेज, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन फोर्सेज को, उन फैक्टर्स को, उन इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तियों को या उन इंस्टीट्यूशंस फर्मों को इंक्लूड करते हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं, बट दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन वो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम इंक्लूड किस किस चीज को करते हैं, द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेज। जैसे कि हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें कि एक कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की कैसी है, सरकार देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्या डिसीजन लेती है। सोशल में बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं कस्टमर के टेस्ट में, कस्टमर की डिमांड में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू आपके बिजनेस के फेवर में हो सकता है या उसके अगेंस्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल में हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि किसी भी टेक्निक में कोई चेंज आता है तो उसका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। लीगल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं कि कोई भी देश में आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कानून बनता है, एक्ट बनता है, तो उसका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं और आपके बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करते हैं। ऑल्दो दीज एनवायरमेंटल फोर्सेज एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, हालांकि ये जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के या बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस को इफेक्ट करने का वो काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें इंक्रीज इन टैक्सेज बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो उससे जो आपने प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रखा है या जो गोडाउन में माल आपने स्टोर करके रखा हुआ है वो आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन हो सकता है और हो सकता है वो मार्केट में ना बिके या कम रेट पर आपको बेचना पड़े। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसको हम नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। फर्स्ट फीचर इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज विच अफेक्ट द बिजनेस। तो इसमें वही चीज हमें मेंशन करनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक फोर्सेज में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो आपके ही बिजनेस को सिर्फ इफेक्ट करेंगे। जनरल फोर्सेज में हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो आप ही की तरह का बिजनेस करने वाली और इंडस्ट्रीज को भी इफेक्ट करेंगे। तो स्पेसिफिक फोर्स जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करता है, जबकि जनरल फोर्स उसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व जितनी भी फर्म हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को इफेक्ट करने का काम करेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, दोनों ही फोर्स इंक्लूड करते हैं। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली, बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली। जो स्पेसिफिक फोर्स होती हैं वो किसी बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। जैसे कि हम बात करें सप्लायर्स की, अगर आपके सप्लायर आपको टाइम पर गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। इन्वेस्टर जो कि आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, आपकी फर्म में पैसा लगाते हैं, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दें तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कस्टमर आपसे गुड्स परचेज करना बंद कर दें या कम कर दें तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्पेसिफिक फोर्स हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं। जनरल फोर्स की बात करें, जैसे कि सोसाइटी में कोई चेंज आया तो उसका सिर्फ आप पर इफेक्ट नहीं होगा, उसी तरह की सभी फर्म्स पर इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी डिसीजन लिया, यानी कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका इफेक्ट सिर्फ आप पर नहीं होगा, उसी तरह की सभी फर्मों पर, सभी इंडस्ट्रीज पे होगा। कोई भी देश में एक्ट या कानून बनता है, सभी पे कॉमन इफेक्ट होगा। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, टेक्निक्स में, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज आता है, सभी पर कॉमनली इफेक्ट होगा।
यानी कि जनरल फोर्सेज में हम उन फैक्टर्स को लेंगे जो सभी फर्म्स को कॉमनली इफेक्ट करेंगे, और स्पेसिफिक फोर्स में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि स्पेशली सिर्फ आपके ही बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेशन। सभी फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करने का काम करते हैं। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। सर्टेन क्या होता है? कोई भी चीज़ जब कन्फर्म होती है, निश्चित होती है कि ये काम होगा। अनसर्टेन होता है कि जब कन्फर्मेशन उस चीज़ की ना हो। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सर्टेनिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कब क्या चेंज आएगा उसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जो चेंजेज आ रहे हैं वो काफ़ी फास्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आईटी सेक्टर में जो चेंज आ रहा है, फैशन इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है, वो काफ़ी स्पीड से आ रहा है। तो उनको आप जो है अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। मीन्स जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो डायनेमिक हैं, उनमें चेंजेज टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस आपको उन फैक्टर्स पर नज़र बनाए रखनी है, उनको ऑब्जर्व करना है, ताकि आप टाइम पर अपॉर्चुनिटीज या जो जो आपको प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं उनका आप आइडिया पहले से ही ले लें और पहले से ही अवेयर हो जाएं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है। इट इज़ नॉट स्टैटिक या रिजिड, वो फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। दैट इज वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कॉन्टिन्यूस बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर को मॉनिटर करें, उनको स्कैन करने का काम करें, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। कब किस फैक्टर में क्या चेंज आ जाए हम नहीं बता सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। कंपनीज पर किस फैक्टर का क्या इफेक्ट होगा ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट है। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, हालांकि एनवायरनमेंट को स्कैन तो हम कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो, ये जानना बड़ा मुश्किल है, हाउ दीज चेंजेज विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन, कि वो जो चेंज है आपके बिजनेस डिसीजन को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, समटाइम चेंज मे बी माइनर, चेंज तो माइनर होता है बट इट्स माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट, लेकिन उसका आपके बिजनेस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। एंड द लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फैक्टर इंडिया में काम कर रहा है वही फैक्टर जो है किसी अनदर कंट्री में भी उसी तरह के बिजनेस को इफेक्ट करे। हर एक देश का इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है, हर एक देश की पॉलिटिकल पार्टी का व्यू अलग होता है, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, रीजन टू रीजन मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया तक वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट। जैसे इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, वो रीजनल गवर्नमेंट भी हो सकती है या जो पावर जो गवर्नमेंट जो है सेंटर में वो भी हो सकती है। तो जैसी भी वहाँ की गवर्नमेंट होगी उसकी पॉलिसी कैसी है वही जो है आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है डिपेंड करता है कि आप किस रीजन या किस एरिया की बात कर रहे हैं। कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकते हैं, अगर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं तो वेरी कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, देयर में बी मोर डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशन ऐसा है कि यहाँ पर फीमेल जो हैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं एज कम्पेयर टू USA और UK। तो ये फैक्टर ही तो है जो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वेरी करता है कि कौन सा फैक्टर किस एरिया में किस बिजनेस को इफेक्ट करे या ना करे।